आज पता नहीं क्या हुआ ना मेरे कम ये क्या था, इसमें बैठता कौन है? ये नानी ने भेज रखी है वहां से, वहां से पैक था मैंने, वहां तो देखा नहीं कितने भयंकर हो रखे। कम से कम ये होगा आपका 3 किलो की मूवी, मूवी मूवी नहीं है, मूली। हम लोग शॉर्टकट जंगल से और रोडी रोड हम लोग जाते थे, यहाँ से मार्केट में स्कूल होता था पूरा 8 किलोमीटर विद्या मंदिर में। और कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेगी, देखना अभी जैसे कैमरा बंद करूंगा बोल देगी। हाँ, कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? थोड़े दो चार शब्द बता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन सुई से। और मैं हूँ अभी नानी लोगों के यहाँ पे, और यहाँ हम लोग कल शाम को आ गए थे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और चंपावत हम लोग जा रहे हैं मम्मी को दिखाने के लिए, और मम्मी के टेस्ट हैं तो सारे टेस्ट हमने भूखे पेट ही करवाने हैं। और ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा है यहाँ से, सामने खूबसूरत सा सनराइज हो गया है और सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली मैं हो गया हूँ तैयार नाश्ता वगैरह करके, और ओहो यहाँ तो सर में लग रही है। तो मम्मी का यहाँ मेकअप वाला प्रोसेस चल रहा है, बाकी मैं आप लोगों को अपनी नानी से मिलाता हूँ। नानी ना कैमरा देखते ही भाग जाएगी, देखना अभी इतना शर्माती है कैमरा देख के। नानी देखो जैसे ही मैं कैमरा लाया नानी ने दूध भी गिरा दिया नीचे, यहाँ इतना डर गई। बाकी नाना जी बाहर धूप में बैठे हुए हैं, पहले से उनकी तबीयत काफी ठीक है। मम्मी जल्दी और इससे मिलो, ये है लक्कू मेरे मामा का बेटा। तुम लोग बिना हाथ मुंह धोए खाना खाने लग गए। खैर चलो अभी फटाफट चलते हैं, और अब तो मस्त धूप आ चुकी है सामने की तरफ। ये देखो सामने की तरफ क्या प्यारी सी धूप आई हुई है। मामी यहाँ के बच्चे बिना हाथ मुंह धोए खाना खाने लग गए सुबह। ब्रश किया तूने? है सही बोलना। तूने किया? सही बोलना। झूठी। वाह बहुत बढ़िया। कोई नहीं खाओ। बचपन ना सभी का ऐसा होता, हम लोग भी ऐसे बचपन में मस्तियां किया करते थे। कहाँ वो पेड़ में देखो, कहाँ देख रहे हो आप? वो सामने पेड़ में ये वहाँ ये मिट्टी मिट्टी ऐसा देखो। अच्छा ये एक इसमें भी है, एक वो उधर वाले ने काटा, नीचे वाले ने जो मेरे सिर में आई वो नीचे वाले था। इनके अटैक से आप बच कैसे गए? किस्मत थी। परसों नहाया था तूने? इसने परसों नहाया था ना? परसों भी बहुत होता है। तू ना सीधा मैं बता रहा हूँ तेरे को कब नहाना, 2025 में, ठीक है? इस साल मत नहाना। चलो मम्मी बाय, प्रणाम। संडे को आना फिर। आहो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेगी, देखना अभी जैसे ही कैमरा बंद करूंगा बोल देगी। आओ कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? थोड़े दो चार शब्द बता। नाना जी नाना जी ठीक है? नाना जी ठीक है, ठीक है। हिट है तू? हिट है? हेलो फिर मामी बाय। तो दोस्तों फाइनली हम लोग भी निकल गए हैं नानी के घर से, और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा हॉस्पिटल। काफ़ी लेट हो गए हैं, फटाफट पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं, वहाँ के काम निपटाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे वापस घर की तरफ। दोस्तों पहले मैं इस रूट से ना यहाँ से पैदल स्कूल जाया करता था, यहाँ से आते थे हम लोग शॉर्टकट जंगल से और रोडी रोड हम लोग जाते थे यहाँ से मार्केट में, स्कूल होता था पूरा 8 किलोमीटर विद्या मंदिर में। अब यहाँ से पैदल जाते हुए कोई नहीं दिखता क्योंकि अब स्कूल की बसें लग गई हैं, तो सब बस से जाते हैं। दोस्तों हम लोग ना हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं, पर यहाँ के ना अभी मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि आज शायद छुट्टी है, पहले पता नहीं था, तो अभी देख रहे हैं पता करते हैं क्या होता है। बाकी मम्मी भी आज पूरा फास्टिंग में आई थी क्योंकि मम्मी की भी टेस्ट होने थे। वैसे यहाँ पूरा खाली खाली दिख रहा है, पूरा खाली देख के तो लग रहा है कि छुट्टी होगी।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग भी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं क्योंकि आज ना यहाँ पे छुट्टी है, तो धनतेरस है आज, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टाफ नहीं है, छुट्टी कर रखी है। तो अब शायद क्या पता कल आएंगे, कल तो अब पॉसिबल है नहीं, अब हम लोग एक दो दिन में आएंगे। देखो पूरा हॉस्पिटल वाला एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है। मम्मी का मूड खराब हो गया सुबह सुबह, एक तो नानी के घर से जल्दी आ गई, नाश्ता भी नहीं किया है मम्मी। तो चलो दोस्तों फिलहाल चलते हैं अब सीधा घर की तरफ और फिर आएंगे एक दो दिन बाद यहाँ पे। दोस्तों आज धनतेरस है और आप लोग मार्केट में भीड़ देख सकते हो कितनी जबरदस्त हो रखी है दोनों तरफ, और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और भयंकर भीड़ हो गई है। और अभी हम लोग हैं चंपावत में, तो आज यहाँ पर हॉस्पिटल तो दिखा नहीं पाए मम्मी को क्योंकि हॉस्पिटल बंद था। अब हम लोग आएंगे कब, दिवाली के बाद, तो दिवाली के बाद अब हम लोग आएंगे यहाँ पर मम्मी को फिर से लेके। तो अभी फिलहाल हम लोग सीधा जाएंगे घर। पागल गला लिया मैक जी, उन्हीं आँखों में अभी बहुत सारे फोटो लगा रखी है मैक जी। अरे चल इधर इधर, अरे रुक जी तो जा। बस इधर आ क्या 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 ना खाना नहीं है क्या क्या क्या, बस बस चल इधर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग भी घर पे पहुंच गए हैं और घर में पहुंचते ही ना पीछे अपना काम शुरू हो गया। तो पापा तो बिल्कुल अपने रेस्ट मोड में हैं और मम्मी और मैं आते ही, मम्मी तो चाय बनाने लग गई है और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह काट दी है, ये दाल तैयार है, फटाफट से दाल चावल चढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों देखो फटाफट मैंने यहाँ पे दाल रख दी और यहाँ चावल बन रहे हैं हमारे। और आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ पहाड़ की सबसे स्पेशल और आज के टाइम पे फेमस मूली, ये नानी ने भेज रखी है वहाँ से पैक था, मैंने वहाँ तो देखा नहीं कितने भयंकर हो रखे। कम से कम ये होगा आपका 3 किलो की मूली 3 किलो की मूली तो होगी, और ये होगी आपकी लगभग 1.5 किलो के आसपास, और यहाँ भी रखी हुई है। तो इस बार हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी मूली नहीं हुई है और नानी लोगों के वहाँ पर हुई है। और आप लोगों के लिए एक और चीज, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, कमेंट में मेरे को जरूर बताना ये क्या चीज है प्लीज। जो पहाड़ी मेरे दोस्त ये देख रहे हैं वीडियो, वो बताना ये क्या चीज है और इसका क्या यूज होता है, बताना जरूर हाँ आप लोग। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं भी अभी सो के उठा, दिन में लंबा ड्राइव करके आया ना तो थकान लग गई थी। तो अभी घर पे कोई है नहीं, घर पे सभी लोग नीचे खेत में गए हुए हैं और मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा रिंकू लूँगी यहाँ की तरफ चक्कर मार के आऊँ, क्योंकि उसका फ़ोन आया था मेरे को अभी थोड़ी देर पहले। पर ये है ना, ये मेरे पीछे लग जाएगा। कन्नू ये वाली बॉल नहीं लाए थे क्या? हाँ अच्छा, चले या बॉल लेने वो नीचे। गोलू लोग कहाँ हैं? मतलब सही अक्कू? अक्कू दी का पता नहीं, अक्कू दी ऊपर से। अच्छा, और आज भाभी का भी आई है हमारे साथ, तो कन्नू के साथ बैडमिंटन खेलने में लगी हुई है। क्या बैठ जा, मैं मेरे को तो भूख नहीं, आज पेट बहुत भरा हुआ है, थोड़े तो हम तो खाएं। मैं तो नहीं खाऊंगा। और पता है मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है, मेरा बेल्ट पहननी होगी, बैठा भी नहीं रहा ना मैं आज, पता नहीं क्या हुआ ना मेरे कमर। ये क्या था, इसमें बैठता कौन है? आप लोग एक चीज देख सकते हो, मम्मी का दिमाग खराब कितना ज्यादा हो रहा है। मम्मी इसमें ना तो इसको चौका समझ के बैठ गई इसमें। एक तो कमर पीड़ा, गैर कल।
बहुत बढ़िया, इसमें बैठना था फिर उसमें आटा गूंदना था। तो दोस्तों अभी मैं जब से ना आज सुबह चंपावत से आया हूँ, आज पता नहीं दिन में मैं सोया उसके बाद शायद सोने में कोई दिक्कत हो गई या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी देखूंगा सोते टाइम कुछ लगा लूँगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो यार वीडियो को क्या करना है आपको बताइए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। बाय बाय, छोटी सी तो रिक्वेस्ट है।